Hello everyone, welcome back to my channel Bhanisat. So today's video we are going to make something Janmashtami special. Janmashtami special hai, to Radha Krishna ka hona to necessary hai na. To hum Radha Krishna ki hi ek humne ek yahan par picture banayi hai. Pencil se humne isko draw kiya hai, jisme Radha hai aur Krishna ji hai jo ki jhula jhul rahe hain. फिर उसके बाद हमने इसको कट कर लिया है और कट करने के बाद पेंसिल की हेल्प से हम कार्डबोर्ड पे मार्क कर रहे हैं. इसके बाद हम इसको नाइफ की हेल्प से, कटर की हेल्प से इसको हमने कट कर लिया है. और जो हमारा पेपर कटिंग थी जिस पे हमने राधा कृष्ण का जो हमने स्केच बनाया था उसको उस पे हमने पेस्ट कर दिया है. और बाकी जो हमारा कार्डबोर्ड बचा है एक्सेस उसको हमने सीजर की हेल्प से कट कर दिया है. तो इसको कट करने के बाद हमें जो फाइनल का रिजल्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा. उसके बाद हमने एक पेपर लिया, पेपर पे हमने इस तरीके से एक डाली की शेप बनाई है और उस डाली को भी हमने कार्डबोर्ड पर मार्क करके कार्डबोर्ड कट करा और पेपर को कार्डबोर्ड के ऊपर हमने चिपका दिया है. तो हमने ये दो चीज़ें बना ली हैं. उसके बाद अब हम कर रहे हैं यहाँ पर हमारी पिक्चर में, राधा कृष्ण की जो पिक्चर है उसमें हम कलर कर रहे हैं, जिसके बाद ये बहुत ही अच्छी लगेगी क्योंकि कलरफुल जब हो जाता है हमारा क्राफ्ट तो उसका लुक जो है वो बहुत ही ज़्यादा एनहेंस हो जाता है. तो यहाँ पर हम बहुत ही कलरफुल कलर्स का यूज़ कर रहे हैं, लाइक रेड, ब्लू, ऑरेंज. और यहाँ पर हमने इनकी स्किन में स्किन कलर कर दिया है. इसी तरीके से हमने इनकी जो ज्वेलरी बनाई थी उसको हमने गोल्डन कलर दिया है, जैसे कि उनका जो मुकुट है, उनका हार है, ये सब हमने गोल्डन कलर से ड्रॉ करे हैं. उसके बाद हमने यहाँ पर बालों में और जो बाकी की स्पेस बचती है पूरी पिक्चर की वहाँ पर हमने ब्लैक कलर कर दिया है. उसके बाद हमने इनकी आईज़ वगैरह, लिप्स वगैरह बनाने के बाद ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आया है. जो हमने डाल बनाई थी, जो ब्रांच बनाई थी हमने, उस पर मैंने ब्राउन कलर कर दिया है. ये थोड़ा लाइट लग रहा था मुझे तो थोड़ा सा और इसको डार्क करने के लिए इस पर मैंने डबल कोटिंग कर दी. डबल कोटिंग करने के बाद ये ज़्यादा बेटर लग रहा है. अब यहाँ पर हमारी दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं. एक चीज़ रह गई है जो कि है लीफ. तो लीफ भी मैं यहाँ पर बना दे रही हूँ पेपर पे और उस पर मैंने ग्रीन कलर कर दिया है लीफ वाला. सभी लीव्स पे इसी तरीके से ग्रीन कलर करेंगे और फिर उसके बाद सीजर की हेल्प से मैंने इसको कट कर लिया है. अब हमारी जो ब्रांच है उस पर हमने ये लीव्स को फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर दिया है. तो जैसे कि आपको मैंने बताया जन्माष्टमी स्पेशल क्राफ्ट में यहाँ पर बना रही हूँ. ब्यूटीफुल के साथ साथ कलरफुल भी है हमारी ये क्राफ्ट. अब जब आप इसका फाइनल लुक देखेंगे तो आप भी बोलेंगे कि रियल में ये बहुत ही ज़्यादा एंटिक सोपीस टाइप लगेगा जब ये बन जाएगा. इस तरीके से देखिए मैंने एक यहाँ पर डोरी कह सकते हैं आप, कलरफुल सी डोरी ली है. उसको बैक साइड में मैंने फेविकॉल के ऊपर एक पेपर चिपकाया, उसको स्टिक कर दिया और ऊपर से मैंने इसमें स्टेपलर भी लगाया है ताकि ये ज़्यादा स्टेबल रहे क्योंकि हमें इसको वॉल पे हैंग करना है. तो इस तरीके से मैंने इसको टाई करा पहले. तो अब देखिए मैं यहाँ पर लगा रही हूँ स्टेपलर जिससे ये बहुत अच्छे से स्टेबल हो गया है, मजबूत हो गया है. अब ये नहीं खुल सकता. ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है. अब हम इसको हैंग कर सकते हैं. हैंग करके दिखाती हूँ मैं आपको कैसा लगता है. देखिए मैंने हैंग कर दिया है. ये हैंग करने के बाद आप एक चीज़ नोटिस करेंगे इसके अंदर कि जब आप फैन ऑन करेंगे तो ये सच में इस तरीके से लगेगा कि राधा कृष्ण सच में ही झूला झूल रहे हैं. अगर आपको मेरी ये क्राफ्ट पसंद आई है तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा. लाइक कीजिए मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को.
थैंक यू सो मच, शेयर विद योर फ्रेंड्स।